साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। यूपी में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, रामपुर और खतौली विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भाजपा, सपा और रालोद ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं ने विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला है और अपने उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में सपा और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मैनपुरी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उतारा है, जबकि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की जीत को पक्का करने के लिए मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी प्रचार के दौरान डटे रहे। दोनों ने समाजवादी पार्टी पर जमकर कटाक्ष बोला, साथ ही परिवारवाद पर टिप्पणी करते हुए दोनों ने पिछड़े वर्ग के रघुराज शाक्य के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से अपील की। तो वहीं खतौली में भी भाजपा सरकार प्रचार प्रसार करने में पीछे नहीं रही। यहां की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में भी पार्टी के योगी के मंत्रियों ने जमकर प्रचार किया और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी पार्टी प्रत्याशी मदन भैया के लिए घर घर जाकर प्रचार किया। सीएम योगी ने रामपुर में सभा कर भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना की जीत की अपील की। इन सब के बीच सपा भी प्रचार में पीछे नहीं दिखी। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी सपा प्रत्याशी असीम रजा को जीत दिलाने के लिए जनता के बीच प्रचार किया और वोट देने की अपील की। वही पार्टी मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी में अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए अपने चाचा के साथ रिश्ते भी सुधारने में लगे रहे और डिंपल यादव के लिए प्रचार करते रहे। और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी पार्टी प्रत्याशी मदन भैया के लिए घर घर जाकर प्रचार किया। फिलहाल 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।